हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। हमें यहां पर दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। ओके, तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो, तो अगर हम एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट उससे x + 1। ओके, तो हम मान लेते हैं दैट द फर्स्ट इंटीजर is x, so consecutive second integer is equals to x plus 1। तो ये दो इंटीजर्स हमारे x की फॉर्म में हो रहे हैं। अब यहाँ कहा गया है कि उनके स्क्वायर्स किए जाए और उसको सम किया जाए तो 365 आता है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर किया, x प्लस 1 का स्क्वायर किया और इन दोनों का सम किया तो कितना आता है 365। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगी। ओके, सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। सो इन दोनों से 2x स्क्वायर बना, 2x है हमारे पास, 365 को इधर ले आए तो माइनस 365 हुआ। Now 2x square plus 2x minus 364 equals to 0। अगर 2 throughout common लेके cancel कर दें तो 2 common लिया, x square plus x minus 182 equals to 0। तो ये 2 यहाँ 0 के नीचे आएगा तो 0 हो जाएगा। So x square plus x minus 182 equals to 0। ये हमारी quadratic equation बनी। अब हमें 182 के दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनके प्लस या माइनस से 1 आए, तो कॉमन सी बात है कि उनको माइनस करने से ही 1 आना चाहिए। सो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी 182 के दो फैक्टर्स सर्च किए थे, 13 एंड 14। तो यही फैक्टर्स हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वहां हमने इन दोनों को ऐड किया था 27 लाने के लिए, यहाँ हम इन दोनों को माइनस करेंगे। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस, इस 1 की जगह मैं लिख सकती हूँ 14 माइनस 13 इनटू x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 14x प्लस पॉजिटिव और माइनस 13x माइनस 182। नाउ x कॉमन लिया तो x प्लस 14 एंड माइनस 13 आया तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 14 and x minus 13 equals to 0. So x plus 14 equals to 0 or x minus 13 equals to 0. Okay, so x equals to minus 14 or x equals to 13. ये हमें मिला यहाँ से। Okay, x equals to minus 14, x equals to 13. तो ये एक negative number आया है, तो इसको हम ignore करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। ओके, सो हेंस x इक्वल्स टू 13। सो x फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू 13, तो कंसेक्यूटिव सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा, सेकंड इंटीजर 13 से नेक्स्ट कितना होगा 14। दिस इज द आंसर। तो ये दो नंबर्स हमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हमें मिल गए हैं। ये 14 जो है वो हमने यहाँ से फाइंड नहीं किया है, ये तो हमें एक नेगेटिव आंसर मिला था जिसको हमने नेगलेक्ट किया है। हमने 13 को, इस पॉजिटिव इंटीजर को एक्सेप्ट करते हुए सेकंड पॉजिटिव इंटीजर फाइंड किया है। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड टू वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।